रॉड पे था वो ट्रांसफर हो जाएगा पिटबॉल में और वो भी पिटबॉल भी चार्ज हो जाएगा दस द पिट बॉल इज चार्ज बाय कॉन्टैक्ट तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पिटबॉल था वो कॉन्टैक्ट से चार्ज हुआ बाय कॉन्टेक्टिंग इट एक्वायर्स चार्ज इट इज देन रिपेल्ड बाय द प्लास्टिक रॉड बट इज अट्रैक्टेड बाय अ ग्लास रोड विच इज ऑपोजिटली चार्ज जब पिटबॉल जब जब पिटबॉल को चार्ज किया था निगेटिव प्लास्टिक रॉड से तो पिटबॉल में निगेटिव चार्ज आ गया अब पिटबॉल और प्लास्टिक रॉड को नजदीक लाएंगे तो वो रिपेल करेगा क्योंकि दोनों में निगेटिव चार्ज है बट ग्लास रॉड में हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको अट्रैक्ट करेगा हाउ एवर वाई अ इलेक्ट्रीफाइड रॉड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट इज अ क्वेश्चन वी हैव स्टिल लेफ्ट अनसर्ड मगर एक क्वेश्चन है कि क्यों इलेक्ट्रिफाइड रॉड जो रॉड चार्ज हो जाता है वो हल्के हल्के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है इसके बारे में हम अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं लेटस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वाट द द्ट कुड बी हैपनिंग बाई परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट चलिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कुछ यहाँ पर हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा क्यों होता है उसे समझते हैं तो ब्रिंग टू मेटल स्फेयर दो मेटल स्फेयर ए एंड बी लाइए सपोर्टेड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड इन कॉन्टैक्ट एट सोन इन फिगर वन पॉइंट फोर ए जैसा कि इस फिगर में दिया गया है वैसा ही दो मेटल रोड लाए दो मेटल एसफेयर लाए ब्रिंग अप पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर वन ऑफ द से ए टेकिंग केयर दैट इट डज नोट टच द अदर टच द दर द फ्री इलेक्ट्रॉन इन दफेयर आर अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द रॉड एक पॉजिटिवली रॉड लाएँ और किसी एक स्फेयर कहते हैं मान लेते हैं ए ए के नज़दीक लाए और यह ख्याल रखें कि वो जो रॉड हैं पॉजिटिवली चार्ज वो स्फेयर को टच ना करें तो क्या होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो स्फेयर्स इन दोनों टच हुआ है स्फेयर है तो जब टच हो हुआ रहता है स्फेयर तो समझे दोनों एक ही बॉडी है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जा सकते हैं तो ये दोनों टच हुआ 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 है टच हुआ है तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाने से इसके नज़दीक लाने से क्या होगा कि इसके अंदर मौजूद जितने भी इलेक्ट्रॉन थे बल्कि इसके अंदर में भी जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब के सब इधर आ गए जो आ सकते थे जिसमें कि फोर्स का अट्रैक्शन मिल रहा था वो आ, आ जाते हैं इसमें इस इसमें से भी और इसमें से भी सभी एक नज़दीक आ गए और बचा हुआ पॉजिटिवली चार्ज पोस्टिवली चार्ज कहीं नहीं जाता है तो ये मत समझो कि इसमें से पोस्टिवली चार्ज निकल के इधर आ गया नहीं यहीं पे है पोस्टिवली चार्ज जो जहाँ है वहीं पे है बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज अकेला रह गया इसलिए यहाँ पे न्यूट नेट पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल रहा है तो यही बोल रहा है दिस लिप्स एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन दी रियर सरफेस ऑफ स्फेयर बी स्फेयर बी के पीछे वाले सरफेस में नेट पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है बोथ काइंड ऑफ चार्जेस आर बाउंड इन द मेटल स्फेयर एंड कैन नोट स्केप ये दोनों तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मेटल में ही रहते हैं उससे बाहर नहीं निकलते हैं दे देर फोर रिसाइड ऑन द सरफेस एट सोन इन फिगर वन पॉइंट फोर बी जैसा कि फिगर में दिया हुआ है ये दोनों किनारे में जमा रहते हैंज एन एक्सेस ऑफ निगेटिव चार्ज एंड द राइट सरफेस ऑफेयर बी हैज एन एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ए के लेफ्ट सर्फेस में नेट चार्ज निगेटिव होता है और बी के राइट right साइड में नेट पॉजिटिव चार्ज होता है ऑल ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन हैव ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ ए यहाँ पे बोल रहा है कि चार्जेस कुछ इधर होते हैं कुछ निगेटिव इधर होते हैं पर मगर ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नोट ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर टर ऑन द लेफ्ट सरफेस ऑफ ए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आते हैं कुछ ही आते हैं जितना आ सकते हैं एज द निगेटिव चार्ज स्टार्ट बिल्डिंग अप एट द लेफ्ट सर्फेस ऑफ ए अदर इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाई देस देखिए क्यों सभी के सभी नहीं आते इधर तो देखिए जैसे जैसे निगेटिव चार्ज क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो निगेटिव चार्ज इधर आने लगेंगे जैसे जैसे इधर निगेटिव चार्ज आएंगे यहाँ पे बिल्डिंग अप यहाँ पे जमा होने लगेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को तो रिपेल करता ही है ये, तो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल भी करने लगेंगे यहीं पर अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसको रिपेल करेगा तो अदर इलेक्ट्रॉन्स रिपेल बाय दिस तो कुछी कुछी कुछ ही कुछ ही समय बाद कुछ शॉर्ट टाइम के बाद इक्लिवेरियम इज रीच्ड अंडर द एक्शंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रोड एंड द फोर्स ऑफ रिवल्सन ड्यू टू द एक्यूमलेटेड चार्ज तो कुछ ही समय में ये ये जो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे ये जो इलेक्ट्रॉन जमा है वो और कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन जो आना चाह रहे होंगे उसको रिपेल भी करेंगे और कुछ ही समय में इसका फोर्स जो उस इलेक्ट्रॉन को लाना चाहते हैं और इस इलेक्ट्रॉन का फोर्स जो उस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देना चाहता है कुछ ही समय में ये बैलेंस हो जाता है और इलेक्ट्रॉन फिर नहीं आ पाता जितना ताकत से ये खींच रहा होता है उतना ही ताकत से ये रिपेल कर रहा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाता इसलिए ज़्यादातर सभी के सभी चार्ज इधर नहीं आ पाते हैं फिगर वन पॉइंट फोर बी शोज़ द इक्म सिचुएशन वन पॉइंट फोर बी जो है ये ये इक्वेरियम सिचुएशन को शो कर रहा है मतलब कुछ चार्जेस तक होते हैं और इतने चार्जेस ही होते हैं जितना कि कुछ और चार्जेस जब आ रहे हो इसके अट्रैक्शन की वजह से तो उसे रिपेल कर सके तो फिर नहीं हो पाता एक्मलेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्सन ऑफ चार्ज एंड हैपन्स ऑलमोस्ट इंस्टेंटली इस प्रोसेस से जिस प्रोसेस से ये बॉडी चार्ज हुआ बिना टच कराए तो इस प्रोसेस को हम इंडक्सन ऑफ चार्ज कहते हैं और ये बहुत जल्दी होता है द एक्यूमलेटेड चार्ज रिमेंस ऑन द सरफेस एथ सोनि एज शोन टिल द ग्लास रोड इज हेल्ड नियर द स्फेयर जब तक ये ग्लास रोड इसके नज़दीक रहेगा तब तक इसमें दूमिलेटेड चार्ज रिमेंस ऑन द सर्फेस एज सोन टिल द ग्लास रोड ये है इफ़ द रॉड इज रिमूव्ड द चार्जेस आर नॉट एक्टेड बाई एनी आउटसाइड फोर्स एंड दे रीडिस्ट्रीब्यूट टू देयर ओरिजिनल न्यूट्रल स्टेट अगर जैसे ही रोड हटाते हैं तो कोई कोई फोर्स नहीं है अब चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किए हुए रहने का तो ये फिर वापस रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जैसे पहले थे सेपरेट द्फेयर्स बाय अ स्मॉल डिस्टेंस वाइल द ग्लास रोड इज अ स्टिल हेल्ड नियर स्फेयर ए एज सोन इन फिगर वन पॉइंट फोर सी ये ये रॉड को नज़दीक रखे हुए उसी दौरान नज़दीक रखे हुए के दौरान ही इस इस्फेयर को धीरे धीरे दूर ले जाए और ध्यान रहे यहाँ पे टच करके नहीं नहीं तो फिर यहाँ टच करोगे तो फिर तुम्हारा बॉडी के थ्रू कंडक्टर जो है उसमें चला जाएगा तो ये इसे पकड़ के धीरे धीरे से सेपरेट करें बट ये रोड पॉजिटिव रोड नज़दीक होना चाहिए सेपरेट दर बाय अ स्मॉल डिस्टेंस वाइल द ग्लास रोड इज स्टिल हेल नियर अस्फेयर ए तो ये दो द टू अस्फेयर आर फाउंड टू बी अपोजिटली चार्ज एंड अदर तो इस तरीके से सेपरेट करोगे और सेपरेट करने के बाद ये रोड हटाओगे तब इसमें ओवरऑल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसमें ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक दूसरे को ट्रैक करेगा रिमूव द रॉड द चार्जेज ऑन अ अर रीअरेंज देस एज सोन इन फिगर वन पॉइंट फोर्टी। नाउ नाव सेपरेट दर क्वाइट अ पार्ट द चार्जेस ऑन द एम गेट यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दम एस ऑन इन फिगर वन पॉइंट फोर ही तो रॉड को रिमूव करो तो इस तरीके से उस पर नेट चार्ज आ जाएंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए दिखा रहे हैं थोड़ा सा और दूर ले जाओगे तो अट्रैक्शन भी खत्म हो जाएगा तो वो इस तरीके से uh, अलग अलग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे क्योंकि नज़दीक लाने पर क्या होता है कि अट्रैक्शन बढ़ जाता है फोर्स बढ़ जाता है दूर ले जाने से फोर्स दोनों के बीच कम गया तो अपना अपना ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए इन दिस प्रोसेस द मेटल स्फेयर विल इच बी इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज दिस इज चार्जिंग बाय इंडक्शन इस प्रोसेस में जो भी हम देखें इस प्रोसेस में दोनों स्फेयर में इक्वल और अपोजिटली चार्ज हो जाता है और ये बाय इंडक्शन प्रोसेस से होता है इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं बाय इंडक्शन द पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड डज नॉट लूज डज नॉट लूज एनी ऑफ इट्स चार्ज कॉन्ट्रेरी टू द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड था ये इसमें कोई चार्ज लूज नहीं हुआ इसमें कोई चार्ज लूज नहीं हुआ बट बिना चार्ज अपना लूज किए ही इन दोनों को चार्ज कर दिया बट कॉन्टेक्ट में क्या होता है कि चार्ज करते हैं तो चार्ज लूज करता है उसी के विपरीत ये काम किया उल्टा वेन इलेक्ट्रीफाइड रोड्स आर ब्रॉट नियर लाइट ऑब्जेक्ट्स सिमिलर इफेक्ट टेक्स प्लेस जब एक चार्ज रोड या इलेक्ट्रोफाइड रोड किसी हल्के ऑब्जेक्ट के नज़दीक लाते हैं तो यही इफ़ेक्ट वहाँ पे भी होता है जैसे कि ये चार्ज रोड को चार्ज रोड को ये चार्ज रोड को हम इस बॉडी के नज़दीक लाएं, तो इसमें चार्ज जो भी इलेक्ट्रॉन थे इसके नज़दीक आ गए हैं और प्रोटोन तो जाते नहीं हैं तो बट ओवरऑल प्रोटोन अपोजिश देखने को मिला और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन इसके नज़दीक देखने को मिला वही सेम चीज़ जब एक रॉड को चार्ज रॉड को हल्के ऑब्जेक्ट या पेपर कह लें पेपर के नज़दीक लाते हैं किसी चार्ज पेन वगैरह को तो यही चीज़ वहाँ पे भी होता है द रॉड्स इंड्यूस ऑपोजिट चार्जेस ऑन द नियर सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सिमिलर चार्जेस मूव टू फारदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट तो जो रॉड्स उस, उस सरफेस में जैसे कि पेपर उस जैसे रॉड्स में जो चार्ज है तो उस पेपर के जो अपोजिट चार्ज रॉड्स में पॉजिटिव चार्ज है तो उस पेपर के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और अपोजिट चार्ज को दूर उसको मूव कराएगा उसे उसको अवे मूव कराएगा कुछ ऐसा होता है यहाँ पे दिखाते हैं जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये पेपर है इसमें बहुत सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एक ही साथ रहते हैं पर जब पॉजिटिव रॉड इसके नज़दीक लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कुछ इसके नज़दीक आ जाएंगे और इधर वाले प्रोटॉन कुछ अपना पॉजिटिवली चार्ज नेट रहेगा ऐसा क्यों होता है जैसे देखिए पहले कैसा था ऐसा ऐसा बॉडी था तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव इस तरीके से था अब एक रॉड नज़दीक आया तो इन ये निगेटिव आगे आ गया और इसके जगह पे कौन है तो ये आ गया इस इसके जगह पे कौन आया तो ये आ गया और इसके जगह पे कौन आ गया तो ये आ गया पर अब इसके जगह कौन है कोई नहीं तो ये वाला पॉजिटिव नेट रह जाता है ऐसे यहाँ पे भी नेट पॉजिटिव रह रहता है और इलेक्ट्रॉन आगे आ जाता है वही यहाँ पे भी हुआ तो नेट इलेक्ट्रगेटिव इधर देखने को मिलता है और नेट पॉजिटिव इधर देखने को मिलता है तो सेम जो स्फेयर में हो रहा था यहाँ पर भी पेपर में भी यही होता है अगर इसी के जगह निगेटिव रॉड लाते हैं इसमें चार्ज निगेटिव है प्लास्टिक में होता है तो यही काम होता है जैसे यहाँ पे भी ऐसे देख सकते हो कि निगेटिव जा, दूर भाग जाते हैं और पॉजिटिव नेट यहाँ रह जाता है दिस हैपेंस इवेन वेन द लाइट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ कंडक्टर या तब भी होता है जब वो लाइट ऑब्जेक्ट कंडक्टर नहीं होता जैसे कि पेपर के केस में उसमें भी ऐसा होता है पर थोड़ा सा अमाउंट में होता है ज़्यादा नहीं हो पाता है बट कुछ कुछ हो पाता है द मेकानिज्म फॉर हाउ दिस हैपन इज एक्सप्लेन लेटर इन सेक्शन वन पॉइंट वन जीरो एंड टू पॉइंट वन जीरो तो ये जो मेकानिज्म है कैसे होता है वो आगे समझा जाए सेक्शन में द सेंटर्स ऑफ द टू टाइप्स द सेंटर्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर स्लाइटली सेपरेटेड वी नो डैट

और पॉजिटिव अगर इससे देख के चले या इससे देख के चले बात देखिए तो पहले इससे देख के चलते हैं इसे अभी भूल जाते हैं तो इस पॉजिटिव होने की वजह से इधर नेगेटिव आ गया नेट और इधर पॉजिटिव आ गया तो सेंटर्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ़ चार्जर स्लाइटली सेपरेटेड कुछ कुछ सेपरेट हो गया ठीक है तो हम जानते हैं कि ओपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है जबकि सिमिलर चार्ज रिपेल करता है तो ये इससे ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन है तो इसे अट्रैक्ट करेगा और जब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन पेपर में है तो पेपर भी अट्रैक्टेड होगी बट ये पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेगा तो जितना ये इस, इसकी वजह से जितना ये अट्रैक्शन दिखाएगा उस उतना ही इसकी वजह से रिपलसन भी होगा दोनों बराबर ही है तो अट्रैक्शन ही क्यों होता है तो क्योंकि ये नज़दीक होता है आगे देखिए हाउ वर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज एंड दिन दिस केस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवर वेब्स द फोर्स ऑफ रिपल्सन मगर जो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसा फोर्स होगा ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है तो ये पॉजिटिव और निगेटिव नज़दीक है तो इसका फोर्स अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और ये दोनों में भी रिपल्सन फोर्स हो रहा था पर दूर है तो ये रिपल्शन फोर्स कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स ओवर वेब्स द रिपल्सिव फोर्स सो इट अट्रैक्ट अट्रैक्शन फोर्स फोर्स जो था वो रिपल्सिव फोर्स के रिपल्सिव फो, फोर्स से डोमिनेंट हो जाता है उसको उससे ज़्यादा हो जाता है एज ए रिजल्ट ये पार्टिकल्स लाइक बीट्स ऑफ पेपर और पिटबॉल लाइट होने की वजह से पुल्ड टोवाड द रोड्स रोड के टोवार घिंच जाता है चला जाता है क्योंकि ये हल्का होता है पर ये बाहरी चीज में नहीं होगा यही अगर इस नज़रिए से देखें तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी को रिपेल कर दिया इन दोनों की वह से अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बस से रिपल्सन होगा पर ये नज़दीक है तो इसके अट्रैक्शन का फोर्स फिर ज़्यादा हो गया रिपल्सन से तो फिर ये अट्रैक्ट हो जाएगा तो वेदर इट इज़ पॉजिटिव और निगेटिव रोड इट ऑलवेज अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर